आप एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी एमसीडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी को सफाई कर्मचारियों की नौकरी पक्की करने के झूठे वादे करने के मुद्दे पर घेरा। देखिए रिपोर्ट। नगर निगम चुनाव से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। आपने बीजेपी एमसीडी पर साधा निशाना। सफाई कर्मचारियों की नौकरी पक्की करने पर घेरा। झाड़ू चलाकर दिल्ली से बीजेपी को बाहर करने का किया दावा। नगर निगम चुनाव में भले ही अभी कुछ वक्त बाकी हो, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी एमसीडी के सफाई कर्मचारियों की नौकरी पक्का करने की घोषणा को जुमला बताया। आप एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि कल आदेश गुप्ता ने एक बार फिर सफाई कर्मचारियों की नौकरी पक्का करने की घोषणा की। कर्मचारियों ने मुझे फोन पर बताया कि बीजेपी सालों से घोषणा करती आ रही है, लेकिन उसे कभी लागू नहीं किया गया। दुर्गेश पाठक ने कहा कि कोरोना के दौरान मरने वाले सफाई कर्मचारी के परिवार को 10 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन आज तक उन्हें 1 रुपए नहीं दिया गया। कल उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो, आम आदमी पार्टी ने इसका प्रस्ताव बहुत पहले से भेजा था, आप इसका समर्थन करें, लेकिन कभी उन्होंने किया नहीं। लेकिन फिर भी चलो, अच्छी बात है कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं। फिर मैंने अपने, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, सैकड़ों सफाई कर्मचारियों के फोन आए, बोले साहब ये तो पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा जी कैसे झूठ बोल रहे हैं? बोले जी अब तक कम से कम 100 बार ऐसी घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2013 में ऐसी घोषणा की थी, उन्होंने बताया कि 2016 में ऐसी घोषणा की थी, उन्होंने मुझे बताया कि 2018 में ऐसी घोषणा की थी, मुझे उन्होंने बताया कि 2020 में, 2021 में, 2000 हर साल हर 6 महीने में इस तरह की एक घोषणा करते हैं। 25-25 साल से, 30-30 साल से, 40-40 साल से सफाई कर्मचारियों पक्का की मांग कर, पीढ़ियां गुजर गई और उनके साथ इस तरह की छल किया जा रहा है, उनके साथ इस तरह का कपट किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं, वो सुबह 7 बजे उठकर उनकी महिलाएं, उनके पुरुष सब लोग घर से निकलते हैं और दिल्ली की सड़कों को साफ करने का जिम्मा अपने कंधों के ऊपर उठाते हैं। लेकिन आज भी वो लोग पक्के होने की बात कब से जो रहे हैं, लगभग 20-20 साल से, 15-15 साल से, 25-25 साल से वो लोग इस आस में बैठे हैं कि कब हम लोग पक्के होंगे। लेकिन भाजपा और भारतीय जनता पार्टी, इनके नेता जब भी चुनाव आता है, चाहे 2007 में चुनाव आए, चाहे 2012 में चुनाव आए, चाहे 2017 में चुनाव आए, या 2022 का चुनाव हो, वो हर चुनाव में आते कहते हैं हम सारे कर्मचारियों को पक्का कर देंगे। एक फिगर निकालते हैं, 5,000 को कर देंगे, 10,000 को कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद क्या हाथ लगता है? केवल जुमला हाथ लगता है, उसके अलावा कुछ भी उन लोगों के हाथ नहीं लगता है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का कहना है कि आपके विपरीत बीजेपी ने दिल्ली में बहुत काम किया, लेकिन रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। उनके इस बयान पर दुर्गेश पाठक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की गंदगी बीजेपी एमसीडी के कामों की सबसे अच्छी रिपोर्ट है। एमसीडी के स्कूलों को बेहतर कहना हास्यास्पद होगा, जनता भी सच्चाई जानती है। आप कई बार धोखा दे दो और फिर जब एक बार वादा आप करते हो तो उस आदमी को और गुस्सा आता है कि ये फिर से वादा कर रहा है और ये मान नहीं रहा कि गलती हुई हमसे। बेहतर होता कि आदेश गुप्ता जी और उनके सारे मेयर और जितने बड़े छोटे बड़े नेता थे, कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई कर्मचारियों से माफ़ी मांगते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन दिल्ली के किसी भी गली में चले जाइए, किसी भी चौराहे पर चले जाइए, आपको गंदगी नज़र आती है। आप किसी भी प्रदेश से दिल्ली के अंदर घुसिए तो आप हार नज़र आते हैं। कर्मचारी आए दिन सड़कों पर खड़े हैं, पार्क आपके घर के सामने पार्क है, वो पार्क गंदे पड़े, उनका रख रखाव एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन सारे मुद्दों के ऊपर इस बार चुनाव होगा। नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी आप में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। बीजेपी जहां एमसीडी में बेहतर काम करने का दावा कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी एमसीडी के कामों को हवा हवाई करार दे रही है। चुनाव से पहले टिकट के दावेदार अपने अपने क्षेत्रों में छोटी छोटी सभा करके जनता की समस्या सुलझा रहे हैं और पार्टी का प्रचार भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस बार चुनाव में किसके हाथ दिल्ली एमसीडी की कमान होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए
सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।